हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुगन जांगड़ मैथ्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म और उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में और हमने उस पर बेसिक क्वेश्चन भी किया था आज हम पढ़ेंगे इकार्टी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना अगर आपको एक सॉल्यूशन गिवन हो तो सबसे पहले हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन होनी चाहिए लेट वी आर गिवन अटीवेशन लेट वी आर गिवन अटीवेशन और वो रिकार्टी इक्वेशन हमारे पास क्या है डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू की प्लस क्यूवाई प्लस आर वाई स्क्वेर ये हमारे पास कोई एक रिकार्टी क्वेशन गिवन है और हमें बोल रखा है कि उसका एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन अब वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा तो अब हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू पी एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो सबसे पहले हमें dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पी वन एक्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं पी वन एक्स इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू ने मतलब ये नोटेशन कि आप पी वन एक्स किसके इक्वल ले रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन टू और थ्री का यूज करेंगे इक्वेशन वन में यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ई वन एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस वाई प्लस आर वाई स्क्वायर इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन फोर अभी तक हमने जो किया वो हमें जो गिवन था उसी के बेस पे किया था जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में जब हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था तो हमने सपोज किया था कि लेट वाई इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू सोल्यूशन है रिकार्टी इक्वेशन का सिमिलरली इसमें भी हम कुछ सपोज करेंगे तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इस केस में हम मान के चलते हैं कि लेट

उसके लिए सबसे पहले हमें डीवाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो इक्वेशन फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पी वन एक्स माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर पी जेड अपॉन डी एक्सर हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स अब इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स का हम गिवन रिकाटी इक्वेशन जिसे हमने इक्वेशन वन बोला था ये वाली हम, हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन सिक्स इन इक्वेशन वन तो उससे हमें क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस ट्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वेयर ये हमारी इक्वेशन दे रखी थी हमें इक्वेशन वन तो अब हम पुट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स से तो हमें क्या मिलेगा ई वन एक्स माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस क्यू वाई वाई की जगह हम लिख रहे हैं एक्स प्लस वन अपॉन जेड प्लस आर वाई स्क्वेयर डेट मीन्स आर और पीएक्स प्लस वन अपॉन जेड का होल स्क्र अब हम इसे सोल्व करेंगे मतलब ये आपकी ए प्लस बी का होल स्क्र वाली आइडेंटिटी बन गई इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे नेक्स्ट के अंदर ने तो हमें क्या मिलेगा पी वन एक्स माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर डी जेड अपॉन डी एक्स ज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन जेड प्लस अब इसको हम ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वेयर को और साथ में आर का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा आर पी एक्स स्क्वेयर प्लस आर अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस टू आर पी एक्स अपोन जेड यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक हम एक बार यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो अब हमने इसे सोल्व कर रहे थे हम इसको अब पी वन एक्स इज इक्वल टू आप इक्वेशन पीछे आपने लिया था ना ये वाली इक्वेशन देखन नंबर फोर यहाँ से आपके पास पी वन एक्स की वैल्यू क्या है पी प्लस क्यू पी एक्स प्लस आर पी एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन फोर से हम पी वन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में ठीक है तो पी वन एक्स क्या आ रहा है आपके पास पी प्लस क्यू पी एक्स प्लस आर पी एक्स स्क्वेयर माइनस बाकी एजिट इज रहेगा माइनस वन अपॉन जेड स्क्र डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस टू पी एक्स प्लस टू अपॉन जेड प्लस आर पी एक्स स्क्र प्लस आर अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस टू आर पी एक्स अपॉन जेड अब ध्यान से देखो पी से पी कैंसिल आउट हो रहा है क्यू से क्यू पी एक्स से क्यू पी एक्स कैंसिल आउट हो रहा है आर पी एक्स स्क्वेयर से आर पी एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है? माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन जेड प्लस इन दोनों टर्म से हम आर कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है आर टू पी एक्स अपॉन जेड टू पी एक्स अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वेयर अब हम क्या करते हैं माइनस जेड स्क्वेयर का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस जेड स्क्वेयर बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा ई जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू जेड प्लस आर माइनस जेड स्क्वेयर और ये ब्रैकेट में एज इट इज लिख देते हैं टू पी एक्स अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क् देखो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना न्यायगा डी जेड अपॉन डी एक्स क्वल टू माइनस क्यू जेड जब आर माइनस जेड स्क्र का मल्टीप्लाई करेंगे टू अपॉन जेड के साथ तो हमें क्या मिलेगा माइनस टू जेड आर और जब आर माइनस जेड स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा वन अपॉन जेड स्क्वेयर का तो हमें क्या मिलेगा माइनस आर अब इन दोनों इक्वेशन से देखो इन दोनों टर्म्स से देखो सॉरी आपके पास जेड कॉमन आ रहा है माइनस जेड डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जेड टू प्लस टू आर पी एक्स माइनस आर अब हम क्या करते हैं ये जो जेड वाला कोफिशियंट है इसे डी जेड अपॉन डी एक्स की साइड ले जाते हैं हमें तो यहाँ से मिलेगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड टू प्लस टू आर पी एक्स इक्वल्स टू माइनस आर अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, है ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस इक्वेशन हो गया देखो ध्यान रखना आप भी इस तरह से गड़बड़ मत कर देना वरना सारा गलत हो जाएगा ध्यान रखना है रिकार्टी इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई पी वाई इज इक्वल्स टू तो क्यू ये आपके पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो जब हम इस इक्वेशन को कोशन नंबर सेवन लेटर से आपकी इक्वेशन नंबर सेवन है जब आप इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो आपको यहाँ से p की वैल्यू क्या मिलेगी q प्लस टू आर पी और यहाँ से आपको q की वैल्यू हम इसे p1 और q1 बोल देते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे q आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी तो यहाँ से हम बोल देते हैं p1 की वैल्यू आ रही है q प्लस टू आर पी एक्स और q1 की वैल्यू आ रही है माइनस और जीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आपने बी एस सी पार्ट सेकंड में पढ़ा था क्या करते थे हम आई एफ निकालते थे आई एफ निकालते थे ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यहाँ पर पी आपका क्या होता था वाई का कोफ़िशेंट होता था लेकिन यहाँ पे अपने पास पी वन है तो हम यहाँ पी वन कर देते हैं ये आपके पास आई एफ आ जाता था और आई एफ निकालने के बाद हम क्या करते थे इसका सोल्यूशन जो है वो हम किस इक्वेशन पर देते थे एड आई एफ इस इक्वेशन से हम इसका सॉल्यूशन निकालते थे डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा हम यहाँ से सोल्व करने के बाद यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जेड की वैल्यू हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में जहाँ पे हमने सपोज किया था कि यहाँ पे हमने क्या सपोज किया था कि y is equals to Px plus one upon z जो है वो इक्वेशन का तो यहाँ से हम one upon z की वैल्यू जो है जो हम इस इक्वेशन वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर फाइव में रख देंगे तो हमारे पास जो तो सोल्यूशन है इक्वेशन का वो आ जाएगा जब आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन हो अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो आपके थोड़ी बहुत जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे थैंक यू